वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फैक्टराइज करना है मैंने इसको बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, मैंने ना मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए ना फैक्टराइजेशन करनी है। तो बहुत ईजी से है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है। फैक्टराइजेशन पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से। अच्छा जी, रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम राइट कर फर्स्ट टर्म जो है एज इट राइट कर लो, और ये जो लास्ट टर्म है ना वो भी राइट कर लो। जो ये मिडिल टर्म है ना इसको हमने जो है ना ब्रेक करना है। ब्रेक हमने इस तरह से करना होता है कि टू टर्म्स हम ऐसी लें, ठीक है, कि उनको सॉल्व करो तो हमारे पास ये आए, और उन्हीं टू टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आए जो इनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो साइड पर राइट कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 आ गया, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 12x² आ जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4x² को 3 से किया तो 12x² आ गया, और प्लस है इधर, माइनस है, प्लस माइनस माइनस। इसका क्या मतलब है कि हमें टू टर्म्स ऐसी लेनी है यहाँ पर, इसको इस तरह से सेपरेट करना है कि उनको सॉल्व करो तो हमारे पास ये आ रहा हो, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वो है जो इनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये, तो इसका मतलब है टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से ये रिक्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर, आपके माइंड में दो तीन बातें आएंगी कि ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो आपने वो देखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो वो लेनी है टू टर्म्स। तो एक तो ये बात है ना, इधर माइनस है तो आप माइनस माइनस अभी राइट कर लो, बाद में साइन एडजस्ट करते हैं, और एक्स है तो यहाँ भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स। अब हम इसके साथ कुछ राइट करते हैं कोएफिशिएंट इसके। अब आप सोचोगे 2x और 2x ले लें तो वो सॉल्व करने पे 4x आ रहा है, 4x तो आ रहा है सॉल्व करने से 2x 2x, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करो तो वो तो 4x आएगा, तो हमें तो 12x² चाहिए। तो इसका मतलब है 2 2 जो है हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि अगर 4 और 1 ले लें तो उस कंडीशन में भी 4x तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 4 × 1 = 4 आएगा, हमें तो 12 चाहिए। तो और 12 किस तरह से आता है, 4 और 3 लेने से। 4 और अगर हम 3 लें तो उसको सॉल्व करने पे 4 नहीं आएगा। अगर हम 6 और 2 ले लें तो उनको सॉल्व करने पे 4 भी आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको 2 से 3 जो है ना माइंड में आएगा कि ये भी ले सकते हैं, ये भी, तो वो लेना है जो सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। अब जो इधर साइन है वो इधर राइट करते हैं, अब इसके साथ साइन चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब 6x है, इधर 2x है, अगर हम इनको माइनस ही रहने देते हैं दोनों जगह तो माइनस माइनस करने पे तो वो प्लस हो जाएगा, और वो तो 6x और 2x तो 8x आएगा, हमारे पास तो 4x था। तो इसका मतलब है हमें यहाँ तो जो साइन है वो यहीं पे रहने दो, इसके साथ चेंज करते हैं। माइनस की जगह अगर हम प्लस दे रहे ना तो 6x में से 2x को माइनस करो, 4x अब आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा जो बिगर टर्म के साथ है, तो बिगर टर्म 6x और माइनस हो तो माइनस। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम नेगेटिव 6x और 2x पॉजिटिव ले लेते हैं, सॉल्व करने पे नेगेटिव 4x पे आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12x² नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कॉमन लेना होता है इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें ये था कि 10x था, तो मैंने 7x और 3x ले लिया, बिकॉज सॉल्व करने पे 10x आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था, इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो चाहिए था, तो इनको मल्टीप्लाई करके 21x² ही आ रहा है, और सॉल्व करने पे भी आ रहा है। फिर मैंने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो 2 लेंगे, 4 नहीं ले सकते बिकॉज ये डिविजिबल बाय 4 है, ये नहीं है। इसी तरह 6 नहीं ले सकते, ये डिविजिबल बाय 6 है, ये नहीं है। तो 2 कॉमन ले लेंगे बिकॉज ये 4 जो है ना डिविजिबल बाय 2 है, और 6 भी 2 कॉमन ले लेंगे, और साथ में x भी ले लेंगे बिकॉज x इधर भी है, इस टर्म में भी है। तो हमने कॉमन वो लेना होता है जो दोनों टर्म में प्रेजेंट हो। अब x² क्यों नहीं ले सकते कॉमन, बिकॉज x² इधर है, इधर तो नहीं है, इधर तो जस्ट x है, तो इसलिए हम x कॉमन ले लेते हैं। 2x ओवरऑल दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया। अब 2 कितने, इस टर्म में से 2 कॉमन आ गया तो 2 कितने टाइम 4 होता है, 2 टाइम। 1x कॉमन आ गया तो 1x रह गया, माइनस 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम, और x कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। प्लस जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आपने 1 कॉमन ले लेना है, और क्या रह जाएगा अंदर, 2x और -3 का -3। अब देखोगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम, और इनका सेम होना भी जरूरी है। अगर सेम ना हो साइन या कुछ भी सेम ना आ रहा हो तो अगेन चेक करो कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। और अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके राइट कर देना, 2x + 1 आ जाएगा, और ये दोनों सेम है तो 1 टाइम राइट कर देना है। अब यहाँ पर देखो, जब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तब भी ये किया था, इन दोनों में से कॉमन ले लिया था, इन दोनों में से ले लिया था, फिर इन दोनों को ज्वाइन करके राइट कर दिया था, ये दोनों सेम थे तो 1 टाइम राइट कर दिया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई फैक्टराइजेशन पे, हर टॉपिक पे, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के
प्लेलिस्ट होगी, नेम होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग के नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।